सीमा सिंह। जी हाँ, सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का वो नाम जिसके पैरों की धड़कन से ही भोजपुरी इंडस्ट्री का सिनेमाई पर्दा गुले गुलजार हो जाता है। आज हम सीमा सिंह पर ये वीडियो लेकर आए हैं इसलिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं और जिन्हें ये पता नहीं है कि सीमा सिंह क्यों फिल्मों में काम अब नहीं कर रही हैं, तो हम आपको बता दें कि सीमा सिंह ने, जो भोजपुरी की बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, उन्होंने शादी कर ली है। उन्हें शादी किए हुए एक साल हो चुके हैं और उनके कई फैंस हैं जिन्हें अभी तक ये यकीन नहीं हो रहा है कि सीमा सिंह ने शादी कर ली है। तो चलिए उनके पति के बारे में आपको बता दें, तो उनके पति एक प्रोड्यूसर हैं, एक पॉलिटिशियन है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन दोनों की मुलाकात सीमा सिंह जब एक रियलिटी शो को, डांसिंग रियलिटी शो को जज कर रही थी, उसके दौरान हुई। इन दोनों का प्यार उसी सेट पर परवान चढ़ा और इन दोनों ने मन बना लिया कि सेटल हो जाएंगे और उसी बीच इन दोनों ने सगाई कर ली। सगाई शादी में बदल गई और अब इन दोनों के वैवाहिक जीवन को एक साल से भी ऊपर हो चुका है। आपको बता दें कि सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ी। जब संभावना सेठ जैसी डांसिंग क्वीन ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया, तब जाकर सीमा सिंह ने उस खालीपन को, यानी उस रिक्त स्थान की पूर्ति की अपने डांसिंग से। सीमा को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि सीमा काफ़ी जमीन से जुड़ी हुई इंसान है और सीमा कभी यूपी की बेटी हुआ करती थी, अब बिहार की बहू है। जी हाँ, सौरभ कुमार जिससे उन्होंने शादी की है वो बिहार के हैं। और आपको ये बता दें कि सौरभ और सीमा का ये निर्णय था कि शादी के बाद वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। जी हाँ, उन्होंने जब शादी की तो उसके पहले इन्होंने इस बात को पुष्टि कर दी थी सीमा सिंह ने कि वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दमदार रोल मिला तो यकीन है सीमा सिंह ज़रूर करेंगी। सीमा सिंह के चाहने वालों के लिए ये हमने वीडियो बनाया था क्योंकि काफ़ी लोग ये थे जिन्हें ये पता ही नहीं था कि सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं कर रही हैं, क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो हम आपको बता दें कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, उन्होंने शादी कर ली है, शादी करके सेटल हो चुकी हैं। रहती वो मुंबई में ही है लेकिन ससुराल उनका बिहार में है, अप एंड डाउन करती रहती हैं वो अपने ससुराल से मुंबई का। तो यकीन है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।